उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर चौक कोतवाली क्षेत्र में गुदड़ी बाजार स्थित साड़ी की एक दुकान में भीषण आग लग गई। घटना से अन्य व्यापारियों में भी हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। थाना चौक कोतवाली क्षेत्र निवासी वीरपाल सिंह की गुदड़ी बाजार में कृष्णा साड़ी सेंटर के नाम से दुकान है। बुधवार तड़के दुकान में आग लग गई। स्थानीय लोगों ने बंद दुकान से धुआं निकलता देखा तो इसकी सूचना तुरंत व्यापारी और दमकल विभाग को दी। सूचना पर मुख्य अग्निशमन अधिकारी रेहान अली दमकल की गाड़ियों को लेकर घटनास्थल पर पहुंचे। दमकल कर्मियों ने पानी की बौछारें कर काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर जैसे तैसे काबू पा लिया। तो वहीं घटना से अन्य व्यापारियों में भी हड़कंप मच गया। व्यापारी वीरपाल ने बताया कि वो सुबह दुकान से जीएसटी से संबंधित कागजात निकालने आए थे। जाते जाते उन्होंने विद्युत उपकरणों और दुकान को बंद किया और अपने सीए से मिलने चले गए। कुछ समय बाद इतला मिली कि दुकान में आग लग गई है। व्यापारी का कहना है कि 60 से 65 लाख का सामान दुकान में भरा था जो कि जलकर स्वाहा हो गया। मुख्य अग्निशमन अधिकारी रेहान अली ने बताया कि व्यापारी का काफ़ी नुकसान हुआ है। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है और आग से हुई क्षति के आंकलन के लिए व्यापारी से खरीद आदि की रसीदें और अन्य कागजात मांगे गए हैं। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से सत्यमेव न्यूज के लिए अंकित शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। कैसी की आग पे काबू पाया गया? दो गाड़ियाँ अभी चलान फौरन मौके के लिए रवाना जी पे आग देखा तो स्थानीय लोग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। आग भयानक रूप मिले हुए थे। तत्काल दोनों